क्या आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में करना चाहते हैं? हमारे बेस्ट एविएशन कोर्सेज से हम आपका ये सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे XYZ इंस्टीट्यूट में है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज, साथ ही जॉब प्लेसमेंट भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे, यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। जैसा आपने वीडियो के इंट्रो में देखा, ऐसे ही कुछ एड्स टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स में हमेशा हमें दिखाई देते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये एविएशन इंस्टीट्यूट्स 100% जॉब गारंटी देते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो सिरों से सोचना पड़ेगा। नंबर एक, जॉब इंटरव्यूज जो जॉब एयरलाइन कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती है, इसके बारे में मैंने कुछ ही महीनों पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और नंबर दो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो जॉब गारंटी की बातें किया करते हैं। पर हाँ, हमें एक चीज़ याद रखना है कि वैकेंसी के बेसिस पे ही इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ फ्रॉड एजेंट्स और कंपनीज उठाती है, फ्रॉड जॉब्स पोस्ट करके। कहाँ पोस्ट करते हैं? जॉब पोर्टल्स जैसे कि naukri.com, फिर हम ऐसे फ्रॉड एयरलाइन जॉब्स रस्ते में होर्डिंग्स में देख पाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं वो। इस तरीके से फ्रॉड जॉब्स पैदा होते हैं। अब वैकेंसी अगर सच में रहे तो इन एयरलाइन कंपनीज को जॉब इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है। ये जॉब इंटरव्यूज सिटीज़ के बड़े बड़े होटल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इन जॉब इंटरव्यूज़ के जो जॉब एड्स है वो आपको एयरलाइन कंपनीज के वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में मिल जाएगा। आपको हर एयरलाइन कंपनी का कैरियर सेक्शन का URL वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात है कि ये एविएशन इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं फिर? क्या ये एविएशन इंस्टीट्यूट्स फेक है? तो इसका आंसर है नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस फेक नहीं है। ये इंस्टीट्यूट्स आपको ट्रेन और ग्रूम करने की जिम्मेदारी लेते हैं उन जॉब एयरलाइन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए ही। ये दो तरीके से इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज होती है, एक है कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू और दूसरा है इंटरव्यू वेन्यू पे कैंडिडेट्स को भेज के। अब आप पूछेंगे कि जॉब गारंटी की गारंटी कितनी है, तो इसके लिए मुझे आपको 10 से 15 साल पीछे हिस्ट्री में, जब ये इंस्टीट्यूट्स फाउंड हुई थी उस टाइम पीरियड में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले जो होता था, अपना ब्रांड रेप्यूटेशन, लेस स्टूडेंट एनरोलमेंट होने के कारण, लेस कंपटीशन होने के कारण नियर अबाउट 100% प्लेसमेंट ये जो इंस्टीट्यूट्स थी वो अचीव कर पाती थी। मगर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, मोर स्टूडेंट एनरोलमेंट और उससे भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बन गए, कंपटीशन और बढ़ गया, पर वैकेंसी घटती रही। इसी कारण से जो प्लेसमेंट थी उसकी भी जो प्लेसमेंट गारंटी है वो घटती रही। तो रिसेंट में आपको पता ही होगा कि जेट एयरवेज का जो रिसेशन हुआ है, मैं वैकेंसी जो कह रहा था कि वैकेंसी दिन ब दिन घटती गई, उसका एक प्रमाण है अभी जो हाल ही में जेट एयरवेज का रिसेशन हुआ, उसी से हमें पता चलता है कि वैकेंसी किस तरीके से आएगी, वैकेंसी है ही नहीं अगर देखा जाए तो। दोस्तों, अगर आप मुझे पूछे कि क्या करना चाहिए एयरलाइन जॉब इंटरव्यूज़ को देने के लिए, किस तरीके से जाना चाहिए, तो मेरा जो चॉइस रहेगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने का ही रहेगा। मैं सबसे पहले उन एयरलाइन कंपनीज़ के वेबसाइट्स में जाके उनके करियर सेक्शन को चेक करूँगा, वैकेंसीज क्या क्या है देखूँगा और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक वहाँ अप्लाई करूँगा और डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा। क्योंकि वहाँ आपको फिर, आप जब सबमिट करोगे अपना CV रिज्यूमे, तो आपको डायरेक्टली कॉल आ जाएगा और आप उस इंटरव्यू वेन्यू में पहुंच के डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकोगे। यही मेरा पर्सनल चॉइस रहेगा, वो डायरेक्ट रहेगा, जेन्युइन रहेगा 100%। सो दोस्तों, होप मैं आपको इन इंफॉर्मेशन से हेल्प कर पाया। अगर आपका इस पे कोई भी सवाल रहे तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप मेरे FB पेज पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरे FB पेज का नाम है किशोर के YouTube वीडियोस, जैसा आप नीचे देख पा रहे हो, और FB पेज का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहेगा।
और साथ ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। सो आज बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी न्यूज़, ट्रैवल या ड्रामा वीडियो के साथ। आज के लिए किशोर की तरफ से अलविदा।